मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी राजीव रंजन जी सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन लोकसभा एडिशनल सेक्रेटरी लोकसभा सभी लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारीगण और वास्तव में आज के शुभ दिवस जो हमारे उत्सव मूर्ति हैं वो आप सब युवा युवती आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आज यहां पे आने का मुझे 12 साल हो गए हैं सांसद के रूप में तो मुझे नहीं लगता कि आज से अच्छा दृश्य मैंने कभी सेंट्रल हॉल का 12 साल में देखा है और मैं समझता हूं ये सूची जरूर रखनी चाहिए क्योंकि इसमें से जरूर आगे चल के कोई ना कोई सांसद बन के यहाँ आने वाले हैं जिस प्रकार से मुझे जानकारी मिली आप सबने देश भर में एक प्रतियोगिता हुई लोगों के चयन हुआ सिलेक्शन हुआ और चुन चुन के आई एम नॉट चुन चुन के इन द शोले स्टाइल पर चुन चुन के आपको यहां पे आने के लिए सिलेक्ट किया गया और जो डाइवर्सिटी एक प्रकार से देश का कोना कोना आज देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु केरल तक पश्चिमी तट से लेके हमारे पूर्वांतर तक नॉर्थ ईस्ट तक देश के हर राज्य हर यूनियन टेरिटरी से आप सब चोजन फ्यू हो द चोजन फ्यू हु सिलेक्टेड टू कम यर टूडे और ये पहला प्रयोग है मुझे अभी भी याद है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दिन आए थे कोई ना कोई श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था शायद आपको बताया गया होगा कि जो हमारे महानुभाव जिनको ये सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट का इसमें सभी जो महानुभावों ने कंट्रीब्यूट किया देश की आज़ादी में एक आधुनिक देश बनाने में देश के विकास में उनके चित्र लगे हुए हैं महात्मा गांधी जी का है लाल बहादुर शास्त्री जी का जिनकी दोनों की जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का है सरदार पटेल का है मान्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का चित्र है एक प्रकार से इन महानुभावों के कारण आज देश आज़ादी के पिछहत्तर वर्ष मना रहे इन सबके योगदान इन सबका कठोर परिश्रम इन सबका त्याग यह हमारे लिए प्रोत्साहित करने का एक उनका जीवन हम सबको प्रोत्साहित करता है एक माध्यम है और माननीय प्रधानमंत्री जी जब श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए थे उन्होंने एक सुझाव के रूप में बताया कि क्यों ना हम देश भर में बच्चों के बीच में प्रतियोगिता करके एक जाग जगाएं उनके उनके मन में जिज्ञासा जगाएं उनके मन में उत्साह जगाएं, उनके भी आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें आस्ते आस्ते इन हमारे पुराने महानुभावों के योगदान की चर्चा कम हो गई है क्यों ना उसको फिर से जागृत किया जाए और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि माननीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने इसको इतने अच्छे सुंदर रूप में इसको एक देश भर में कार्यक्रम चलाया हमारे युवा विभाग और शिक्षा विभाग ने इसको बहुत खूबसूरती के साथ देश भर में पारदर्शिता के साथ ऑफ़ कोर्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके आप सबको सिलेक्ट किया और आज ये इतना सुंदर दृश्य सेंट्रल हॉल में हमें सबको देखने का मिल मौका मिला आप सबका वास्तव में हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूँ और मुझे बताया गया कि अब आप सब अपने अपने विचार रखने वाले हैं माननीय लोकसभा स्पीकर की जो पूरी कल्पना थी उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट देख के बहुत ही आनंद आ रहा है और कुछ तो हमारी बहनें अपने ट्रेडिशनल अटायर में आई हैं कुछ हमारे युवा भी पूरा साफा वगैरह पहन के आए हैं विशेषकर आप सबने तो वास्तव में इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई हमारी मान भी बढ़ाई और मैं समझता हूँ ये सही श्रद्धांजलि आज देश के युवा युवती देंगे पूज्य बापू को श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी को और जब आप सब अब अपनी अपनी बातें रखेंगे अपने भाषा में भी रख सकते हैं अपनी मातृभाषा में रखें मैं आपको सु, सुझाव दूंगा कि अगर आप अपनी अपनी मातृभाषा में रखें तो भी बहुत अच्छा होगा जो लोग अगर कोई तमिल में रखना चाहे कोई तेलुगू में रखना चाहे कोई मराठी में रखना चाहे मुझे लगता है ज़रूर हमने इनक्रेज करना चाहिए बच्चों को जिससे हमारी मातृभाषा के प्रति भी हमारी श्रद्धा हमारा स्नेह बढ़े जरूरत पड़े तो कोई ना कोई ट्रांसलेट कर सकता है अगर इफ यू कैन क्विकली ऑर्गेनाइज दैट पार्लियामेंट्री स्टाफ देखे इसको और आप उनके विचारों से कैसे प्रेरित हुए आपको उनकी क्या जानकारी है उनके जीवन का कौन सा ऐसा पल है या कौन सा ऐसा एक इंसिडेंट है जिसने आपको छुआ जिससे आज के देश के युवा युवतियों को प्रोत्साहन मिलेगा प्रेरणा मिलेगी चाहे वो बापू का स्वच्छता अभियान हो आपने सुना होगा ना बापू ने कहा था स्वच्छता भगवान की पूजा से भी ऊपर है याद है आपको ये पूज्य बापू के कहे हुए वाक्य कि स्वच्छता भगवान की पूजा से भी ऊपर है और आत्मनिर्भरता के बारे में जो पूज्य बापू के विचार थे कि देश को स्वदेशी के बारे में चिंता करनी चाहिए देश को आत्मनिर्भर बनाने का हम सबका कर्तव्य है हम सबको पावर के रंग ढंग में नहीं उलझ जाना चाहिए एक कर्तव्य भावना देश भर में लोगों के बीच में आनी चाहिए कि ये हमारा कर्तव्य है कि देश को कैसे आगे बढ़ाए देश के समाज के जो सबसे नीचे पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके जीवन को कैसे सुधार करें उसको कैसे ऊपर लाए द पर्सन द इज द चिल्ड्रेन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर शुड बी द फोकस ऑफ आवर एनर्जीज आवर एफर्ट्स सो दैट वी कैन गिव them अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ वी कैन रेज their स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग Raise their happiness quotient. And uh, I'm sure you are all seeing that all those high ideals that were articulated by the father of the nation, Mahatma Gandhi, are today the mission of this nation. Today, Swachh Bharat is a part of our daily lives. Today,

आर्टिसन्स जो वीवर्स जो हमारे खादी से जुड़े हुए लोग हैं उनके भी जीवन में एक बढ़िया भविष्य बनाने में हम योगदान दे सके और जो हाई आइडियल्स लाल बहादुर शास्त्री जी के थे जिन्होंने देश के किसानों की बात की थी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था उसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विज्ञान के साथ जोड़ा था आपको याद होगा उन्होंने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को और एक कदम आगे बढ़ाया विश्व स्तरीय जो आज अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे जो लोगों के प्रयत्न चल रहे हैं जिसमें भारत भी जुड़ रहा है प्रधानमंत्री जी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन को हमने उसी कड़ी में हम सबको अपनाना चाहिए हम सबको आगे बढ़ाना है और मुझे विश्वास है कि आप सब युवा युवती ये संदेश देश के कोने कोने तक लेके जाएंगे कैसे देश बदल रहा है कैसे आगे आने वाले 25 वर्ष अमृतकाल में हम सब कर्तव्य भावना से देश को एक विकसित देश बनाने के लिए साथ में कंधे से कंधा मिला के देश के 130 करोड़ लोग मिल के आगे बढ़ेंगे देश को आगे लेके जाएंगे और जो रास्ता मानने पूज्य बापू ने बताया था जो रास्ता श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो हाई प्रिंसिपल्स हाई आइडियल्स ऑफ लिविंग उनके जीवन से हमें सीखने को मिलते हैं उसको लेके हम सब देश के लोग एकजुटता के साथ एकता के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने पांच प्रण दिए हैं पंद्रह अगस्त के उनके आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर जो उन्होंने देश को संदेश दिया पांच प्रण दिए नारी शक्ति के प्रति हम सबको काम करने का और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का जो संदेश दिया है उसको लेके हम सब मिलके नए भारत बनाने में अपना अपना योगदान दें इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज आपको यहाँ आने का मौका मिला इसके लिए आपको पुनः एक बार बधाई और इस प्रतियोगिता के बाद आज जो आप सब अपने अपने विचार रखेंगे उसके बाद भोजन के बाद आप जो दिल्ली में कुछ चयनित जगहों पर जाएंगे विल बी यू बी गोइंग टू सी सम सिलेक्टेड प्लेसेस, आई एम श्योर इट विल बी अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन द डे दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड विद इन न्यू डेली इन द कैपिटल ऑफ द सिटी इन दैलोड प्लेसिंग्स ऑफ पार्लियामेंट हाउस इनफैक्ट इन द Temple of democracy, where you are all seated today. My best wishes to you and your families.